प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर नकली देसी घी निर्माण की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री में छापेमारी की। हालांकि विभाग को फैक्ट्री में देसी घी जैसा कुछ नहीं बरामद हुआ, लेकिन फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे कुकिंग वेजिटेबल ऑयल के सैंपल फूड इंस्पेक्टर ने जाँच के लिए जरूर लिए। मामले की जानकारी देते हुए फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि नकली देसी घी बनाने की सूचना मिलने पर विभाग ने फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की तो मौके से कुकिंग वेजिटेबल ऑयल मिला, जिसे बाजार में 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सेल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बाजार में बेचे जाने वाले कुकिंग वेजिटेबल ऑयल के रैपर पर कहीं भी फैक्ट्री मालिक ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि रैपर के ऊपर देसी घी से मिलती जुलती आकृति जरूर बनाई गई है, जिससे ग्राहकों को भ्रमित किया जा सके। सर, शिकायत ये मिली थी कि देसी घी बनाया जा रहा है नकली, लेकिन हम यहाँ आके देखा है इन्होंने कुकिंग मीडियम ये हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल तैयार कर रहे हैं, जो कि इनका प्रोप्राइटरी फूड है, और इसमें कहीं भी हमें लेबल में, हम इसको सैंपल को एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आने बाद ही पता लगेगा कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, लेकिन इन्होंने कहीं भी क्लेम तो नहीं कर रखा है कि ये कोई देसी घी है। पड़ोस में एक लॉक्ड है एक बिल्डिंग, तो मेरे को शक है कि शायद हो सकता है कि उसमें कोई देसी घी का कारोबार हो रहा हो, और जब उसको पता लगा कि ये रेड हो रही है तो वो हैज रन अवे। यहाँ तो हमने इनका सैंपल लिया है, कोई ये श्री मधु धन करके ब्रांड है, और इसका हमने सैंपल लिया है, इसकी जांच के बाद ही पता लगेगा। कितने प्रकार के सैंपल हैं अभी? तो ये फर्स्ट ही लिया है। क्या कार्रवाई हुई अभी आपकी? आगे हम जितने भी शहर के अंदर या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी घी या घी से रिलेटेड जो जितने भी फूड आइटम हैं उनके सैंपल लेंगे, उसके अलावा और भी फूड आइटम के हम सैंपल ले रहे हैं। सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि वेजिटेबल ऑयल के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा, और सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।